फिर एक बार मीडिया की वजह से एक निर्धन कन्या की डोली उठ सकेगी जिसकी शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन के नाम पर टूटने वाली थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन योजना के नाम पर एक दलित परिवार के साथ गोवर्धन खंड विकास अधिकारी के अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा धोखा दिए जाने का मामला सामने आने के बाद गरीब परिवार की इस कन्या के विवाह के लिए समाज सेवी गौतम खंडेलवाल ने विवाह संपन्न कराने का बीड़ा उठाया। हम आपको बता दें कि दो दिन पूर्व मीडिया द्वारा इस खबर को प्रसारित किया गया था, जिस खबर में पीड़िता ने रोते बिलखते हुए अपनी बात मीडिया के सामने रखी थी, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि मुख्यमंत्री विवाह योजना के नाम पर अधिकारियों द्वारा उसे आश्वस्त किया गया था कि वो शादी की तैयारियां करे, विवाह से पूर्व ही उसको सहायता राशि मिल जाएगी, जिसके बाद उसने अपने सभी रिश्तेदारों में शादी के कार्ड बांट दिए थे और शादी में सिर्फ दो दिन ही शेष बचे थे, जिसके बाद उसने एक बार फिर कार्यालय में संपर्क साधा, लेकिन वहां पर अधिकारियों द्वारा ये कह दिया गया कि योजना समाप्त हो चुकी है, अब वो उसकी मदद नहीं कर सकते। इसी खबर को संज्ञान में लेते हुए समाज सेवी गौतम खंडेलवाल ने विवाह संपन्न कराने का बीड़ा उठाया। अच्छा, जो विवाह मुख्यमंत्री योजना के तहत कराया जा रहा था, क्या मामला है? वो सब मैं ऐसे ही, उन्होंने पहले कह दिया था कि शादी होगी एक सम्मेलन से, 11 तारीख को एकदम मना किया उन्होंने, कहा हमारी लगन पहुंच गई, लड़की वर्दी चढ़ गई थी कि सम्मेलन नहीं होगा। वो तो जो भली समाज ने हमारी इज्जत बचा ली है, कहा आज शादी हो रही है लड़की की, ये आप कैसे कर रहे हैं समाज के जरिए? यह समाज की सहयोग से कर रहे हैं, ये पेट्रोल पंप वाले खंडेल साहब, इन्होंने इतना सहयोग किया कि हमारे डूबते हुए इज्जत बचा ली इन्होंने, और टाइम की हमारी शोभा बनी रही है का। क्या नाम आपका? गौतम खंडेलवाल। गौतम जी, आप यहाँ आए हो काम नहीं गाँव में, क्योंकि फिलहाल कुछ दिन पहले यहाँ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में बेटी की शादी होनी थी, जो कि शादी नहीं हो पाई, आप यहाँ पे आज आपने आके इनकी मदद की है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? एक्चुअली में हम लोग समाज में रहते हैं और हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं, यदि मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ इस संबंध में, यदि हम लोग सक्षम हैं, ईश्वर की कृपा है, तो थोड़ी सी यदि हम अपनी मानसिकता में परिवर्तन कर लें तो अपने समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी मदद हम लोग सब लोग मिलकर कर सकते हैं। मुझे अपने एक पत्रकार मित्र हैं, उनके माध्यम से इस गरीब बच्चे की शादी के विवाह के संबंध में पता लगा, और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने ये ईश्वर की कृपा से ये वाला जो भी यथा योग्य कन्यादान के रूप में इनको पास हमने भेज दिया।